मुजफ्फरपुर में बंद गोदाम से शराब की बड़ी खेप बरामद, ट्रक जब्त, चालक हिरासत। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां एक बंद गोदाम में शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। इस पूरे मामले पर अहियापुर थानेदार ने बताया कि पटना मद निषेध विभाग की ओर से गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप को शराब माफिया शहर के अन्य इलाकों में खपाने के लिए दादर के गोदाम में लाए हैं, जिसके आधार पर छापेमारी कर ट्रक को जब्त किया गया है, साथ ही ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, लगभग एक ट्रक बरामद हुई है, तो गिनती चल रही है कितना कट रहा है, क्या है। कहां पे ये छापेमारी की गई है और कैसे सूचना मिली थी? मन से जो हाकी टीम के द्वारा सूचना दी गई थी, उसी के आधार पर छापेमारी की गई है। लगभग 70 रात की गिनती हो पाई? अभी नहीं, गिनती चल रही है, गिनती समाप्त होने के बाद क्लियर करेंगे। किस गोदाम में छुपा के रखा गया था? लाया था तुरंत 10 मिनट पहले लाया था, उसको रेड किया था। आज ही सर शराब की खेप को लाया गया? सबरे में लाया गया। कहाँ के निर्मित शराब है सर? फिर देखना पड़ेगा अभी सही से, अधिकतर पंजाब से आता है, तो पंजाब वाला। इस समाचार के प्रायोजक हैं आसम हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जुरन छपरा मेन रोड, मुजफ्फरपुर।